बैंकों से एनपीए खत्म करने के लिए सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी तैयारी की है। सरकार ने एनपीए को काबू में करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया है, जिससे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है और इस अध्यादेश के जरिए सरकार ने एनपीए से निपटने के लिए आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार अपने हाथों में ले लिया। यानी कि अब सरकार किसी भी एनपीए खाते से निपटने के लिए आरबीआई को सीधे अधिकार दे सकती है। एनपीए अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही आरबीआई को बैंकों के बैड लोन या एनपीए से निपटने के लिए ज्यादा अधिकार मिल गए हैं। आरबीआई अब एनपीए के खिलाफ सख्त कदम उठा सकेगा। कैबिनेट ने बुधवार को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 35A में बदलाव के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी थी। इस अध्यादेश के बाद एनपीए को लेकर आरबीआई बैंकों को जरूरी निर्देश जारी कर सकेगा। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 35A में दो नए प्रावधान जोड़े गए हैं। प्रावधान के तहत आरबीआई बैंकों के डिफॉल्टर के खिलाफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत कार्रवाई कर सकेगा। साथ ही रिजर्व बैंक को यह अधिकार भी मिल गया है कि वो तय समय सीमा में एनपीए से निपटने के लिए बैंकों को जरूरी निर्देश जारी कर सके। प्रोविजन करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सरकार से वापस नई पूंजी भी लानी पड़ेगी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को भी थोड़ी स्पष्टता दिखानी होगी। तो ये थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन मुख्य बात बैंकिंग सेक्टर के लिए इकोनॉमी का रिवाइवल रहेगा, क्योंकि इकोनॉमी के रिवाइव होने से जो एनपीएस हैं वो भी अपने आप में सुधरने लगते हैं, उनके बाहर आने लगते हैं। इसलिए जो मुख्य सिग्नल देखने होंगे वे होंगे इकोनॉमी का रिवाइवल, जो कि भी दिख रहे हैं, काफी अच्छे तरह से दिख रहे हैं। हम काफी अब 2-3 साल से इसी डायरेक्शन में देख रहे हैं कि क्या हो सकता है, और इन प्रोजेक्ट्स में काफी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारी देश में जरूरत है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं, कई स्टील सेक्टर में है, और ये जो इंडस्ट्रीज हैं हमारे बहुत ही जरूरी है हमारे प्रोग्रेस के लिए। एनपीओ को लेकर अध्यादेश उस वक्त आया है जब बैंकों का बैड लोन 6 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के साथ ही सरकार ने बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस को नोटिफाई कर दिया है। साथ ही आरबीआई ने बैंकों को इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दे दिया है। अध्यादेश के मुताबिक एनपीए दिक्कतों को जल्द सुलझाना जरूरी होगा। आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई का ग्रॉस एनपीए 1.08 लाख करोड़ रुपए है, जबकि पंजाब नेशनल बैंक का एनपीए 55,000 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा का 43,000 करोड़, यूनियन बैंक का 32,000 करोड़ और केनरा बैंक का ग्रॉस एनपीए 34,000 करोड़ पर पहुंच गया है। जो पहले लोगों को खौफ था कि अगर कोई राइट ऑफ किया या सस्टेनेबल डेट को बरकरार करने के लिए कहीं हेयर कट लेना पड़ा, तो लोगों को विजिलेंस और सीएजी और सब का बहुत भय था। अब वो भय निकल जाएगा, क्योंकि आरबीआई डायरेक्ट कर पाएगी कि बैंकों को ये सस्टेनेबल डेट के मुताबिक रीस्ट्रक्चरिंग प्लान करना चाहिए, और एक मॉनिटरिंग कमिटी होगी और एक ऐसी कमिटी बैठेगी कि जो बफरिंग करेगी। इसके पहले एनपीए से निपटने के लिए आरबीआई कई कदम उठा चुका है, लेकिन सफलता नहीं मिली, क्योंकि बड़े कर्जदारों ने कर्जों को चुकाने में कोई खास रुचि नहीं दिखाई। अब आरबीआई को ज्यादा अधिकार मिलने से उम्मीद बढ़ी है कि बैंकों पर एनपीए का बोझ कम होगा। आलोक प्रियदर्शी, जिमीरिया। मेरे साथ मेरे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी ज्यादा अपडेट के जुड़ गए हैं। आलोक, इस अध्यादेश के बाद आखिर सरकार जो है वो कैसे बैंकों का एनपीए कम करेगी? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में जो सरकार ने अमेंडमेंट किया है, उससे तो दो बात साफ होती है कि एक तो सरकार बहुत जल्दी में है, तत्काल कदम उठाना चाहती थी कि एनपीए की जो समस्या दिनों दिन विकराल होती जा रही है उससे निपटने के लिए रिजर्व बैंक के पास ठोस उपाय मौजूद हों। इसी की वजह से सरकार ने मॉनसून सेशन का भी इंतजार नहीं किया और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में जो दो बड़े अमेंडमेंट किए हैं उसमें सीधे सीधे आरबीआई को एक्सप्लिसिट अधिकार मिलेंगे कि वो बैंकों को निर्देश दे सके। जो दो अमेंडमेंट किए गए हैं, पहला अमेंडमेंट में जो सरकार ने हाल ही में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 पास किया है, उसके तहत बैंक स्ट्रेस असेट्स को और जो एनपीए हो चुका है उसको बेचने की कार्रवाई शुरू कर सकेंगे। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में फास्ट ट्रैक में 90 दिनों के लिए और नॉर्मल कोर्स में 6 मंथ का ये समय सीमा है, तो इस समय सीमा के भीतर ही बैंकों को डिफॉल्टर्स का
निपटारा करना होगा। और दूसरा जो कदम उठाया है, आरबीआई समय समय पर बैंकों को निर्देश देता रहेगा ताकि स्ट्रेस असेस की समस्या से वो निपट सके। इसके साथ ही एक कमेटी भी आरबीआई बना सकता है या कुछ और कमेटियां बना सकता है जो इस पूरे सिस्टम पर नजर रखेंगी। तो आरबीआई को एक्सप्लिसिट अधिकार देकर सरकार ने साफ कर दिया है कि एनपीए की समस्या का निपटान करना सरकार की प्राथमिकता में है और इसके लिए उसने मॉनसून सेशन तक का भी इंतजार नहीं किया। बिल्कुल, मॉनसून सेशन का भी इंतजार नहीं हुआ है, प्राथमिकता है एनपीएस से निपटना। आपसे कुछ देर में अरुण जेटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, मेरे सहयोगी डिम्पी हमारे साथ है, साथ ही साथ मार्केट एक्सपर्ट राजेश अग्रवाल भी हमारे साथ है। डिम्पी, जैसा कि आलोक ने भी यहां पर कहा कि मॉनसून सत्र का इंतजार नहीं किया, एनपीए वैसे ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम सरकार के लिए बनती जा रही थी, ऐसे में अब जो इस नए एक्ट में बदलाव किया गया है उसके बाद काफी राहत है बैंकों के लिए भी और आरबीआई जो है उसके जो हाथ है वो और मजबूत हो जाएंगे। बिल्कुल, अनिया एक बात कह सकते हैं क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स को या फिर आरबीआई को सीधा सीधा बोले, मार्केट को भी एक मिनट के लिए रोके, बैंक्स को और आरबीआई के पास थोड़ी जो शक्ति कह सकते हैं एनपीए से निपटने की जो कम लग रही थी, शायद उस शक्ति को बढ़ाने की बात है। ऐसा नहीं इससे पहले कि स्टेप्स नहीं उठाए गए, CDR, SDR, S4 कई सारे और कदम भी उठाए गए, सरफासी भी जोड़ा गया, लेकिन उतना जो फ्रूट्स हमको चाहिए थे नहीं आए हैं, इसलिए और सख्ती की ज़रूरत है। बैड लोन को लेकर कोई बात नहीं होगी, लेकिन जो और रेगुलेशंस हैं जो कि देर रात कल राष्ट्रपति से अध्यादेश को मंजूरी भी मिली है, उसका फ़ायदा मिलेगा जो कि 35A के अंदर इंसॉल्वेंसी और बैड डेट्स को लेकर हैं। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू हो जाएगी अरुण जेटली, इसमें हमारे साथ वित्त मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन राजेश अग्रवाल इस बीच मार्केट एक्सपर्ट मेरे साथ हैं। राजेश, ये बैंकिंग सेगमेंट को देख के ये बात तो तय है कि एनपीएस उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये 35A और AB, नो डाउट अब तो आपने भी पढ़ लिए होंगे, अभी वित्त मंत्री भी उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे देंगे, ये मोर देन सफिशिएंट है आज के प्रमेफेसी, आज के मूव को देखते हुए। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली की, जो थोड़ी देर में भी कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाले हैं। राजेश, जल्दी से अपनी बात आप रख दीजिए। देखिए, 6 लाख करोड़ का NPAs है सिस्टम में और 60 ऐसे केसेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिलीक्वेंट है और जो हैबिचुअल डिफॉल्टर्स हैं, जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं मैं कहना चाहूँगा, तो उन सब चीज़ों के मद्देनज़र मुझे लगता है कि थोड़ी राहत तो बिल्कुल मिलेगी। बट ये समझना कि रातों रात इससे बैंकों में NPA के पैसे वापस आ जाएंगे या उनके फाइनेंशियल्स चेंज हो जाएंगे या थोड़े ज़्यादा हो जाएगा, एक उनको हथियार मिल जाएगा जिसके द्वारा वो अपने NPA के प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, ये आप सीधा तस्वीरें देख पा रहे हैं और ये बात राजेश भी हमको बता रहे हैं, हालांकि हमने सुबह भी कई एक्सपर्ट से बातचीत की थी, उन सबका मानना यही था कि थोड़ा सा 2016 द पार्लियामेंट हैड इनएक्टेड द इंसॉल्वेंसी एंड द बैंकरप्सी कोड अलोंग विद दैट वी हैड आल्सो ब्रॉट अबाउट substantial changes to the Sarfazi Act and the DRT Act in order to ensure expeditious recovery of outstanding dues to banks and financial institutions. The RBI has been simultaneously exercising its own authority under the Banking Regulation Act and has come out with the different schemes, the CDR, SDR, S4A, from time to time. We also have the joint lending forum framework prescribed by the RBI, which is currently functioning. Whereas over the last few years, we've been able to bring some several structural reforms in relation to the economy, one of the key problems which remains is that of stressed assets. Banks necessarily need to be in a robust position to support growth, and if the banks have an unacceptably high level of non-performing assets, this hinders their capacity.
in order to further empower the Reserve Bank of India in this effort, the cabinet had day before yesterday decided to recommend to the Honorable President the issuance of an ordinance. Section 35A of the Banking Regulation Act deals predominantly with policy directives. It deals with the matters which relate to the functioning of the banking companies themselves. It also deals with banking policy. The RBI required to be empowered in relation to specific stressed assets also. It was doubtful that whether the language of Section 35A covered this empowerment, and therefore it was felt necessary that the RBI should be empowered in this direction. The ordinance was signed late last night by the Honorable President, and it seeks to incorporate Section 35 capital AA and 35 capital AB. The first part relates to issuance of the Government of India authorizing the RBI to initiate insolvency and bankruptcy proceedings again in relation to any stressed assets. And the second part relates to specific directions, including formation of committees and oversight committees. Currently, the oversight committee functions in relation to S4A. And therefore, even in relation to resolution of specific accounts, either within the bankruptcy insolvency framework or under any other JLF framework, the RBI would be empowered to deal with this matter. The ordinance was signed yesterday night by the President. It has been notified as of today morning. The order of the central government authorizing the RBI in relation to exercise of jurisdiction under Section 35AA also has been issued today, separately. There are some other steps also being taken, which once decided, we'll only convey to you and communicate to you at that stage. We are also planning in the process with and that when the MOUs are signed with the PSBs, which seek capitalization, then there would be some specific provisions in those MOUs also, which would be incorporated. These would relate to immediate cash release initiatives, such as sale of assets, closure of non-profitable branches, reduction of overheads, business turnaround initiatives such as strengthening of the credit appraisal process under active NPA management, and several others, details of which will be in a separate press statement communicated to you. The RBI and the government would continue to work together on expeditious resolution of this challenge of stressed assets.
I do hope that this empowerment of the RBI would enable the issuance of several directions and steps in this regard. Thank you. देखिए ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, उस प्रोसेस में और तेज गति आए जिसमें रेजोल्यूशंस हों और इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड उसका एक बहुत बड़ा तंत्र है जहां जेएलएफ के रेजोल्यूशंस में वक्त लगता था और कई बार पूर्ण सहमति बैंक्स की न होने की वजह से उस प्रक्रिया को में देरी होती थी, उसके संबंध में भी आदेश जारी हो सकते हैं। ये सारा एम्पावरमेंट आरबीआई को इसके माध्यम से किया गया है। ऑब्जेक्ट्स वुड ऑल्सो बी दैट when bankers take commercial decisions on commercial and banking considerations, they must have an adequate comfort level. And therefore, a committee which oversees such JLF arrangements is one step which will give them this comfort level. You must also keep in mind that there was a proposed amendment to the Prevention of Corruption Act which had been introduced in Parliament. The Standing Committee of Parliament has already considered it and submitted its report. So now it has to come up for consideration before the full houses, both houses. Is it mandatory for the banks to follow the directions of this oversight committee? ऐसा है कि जो RBI के अब कदम होंगे इस empowerment के तहत वो सबके ऊपर बाध्य होंगे। दिस विल एक्सपीडाइट द कमर्शियल डिसीजन मेकिंग। नो, इट्स नॉट अ डाइकोटमी। द आरबीआई ओवरसीज फंक्शंस एंड देयरफॉर keeping the health of the banks intact is one of the RBI functions. Sir, according to 35A, now government may issue directive to RBI to issue directive in certain cases. Government may authorize the RBI. Yeah. So, in specific cases also Government will issue only a general authorization. That authorization has already been issued this afternoon. Can the RBI initiate winding up petition? Can they order the banks to initiate winding up petition? That's the object of the law. That's the precise object. RBI, some of the guidelines that RBI has issued are seen to be inhibiting, resolution. Things like S4A, etc., where you can't take decisions on increasing the tenure, reducing the interest rate. That is for the RBI to consider. I will not. Sir, insolvency bankruptcy court जो सरकार लेके आई है, क्या उसके तहत जो fast track करने का 90 दिन के provision है, उसके लिए भी specific कहा जा सकता है कि 90 दिन के अंदर इसको insolvency की प्रक्रिया अपना ली जाए? देखिए, वो तो जो उस प्रक्रिया का शेड्यूल है वो तो 2016 के कानून के तहत है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो कानून वैसा ही रहेगा। इसके तहत कार्रवाई कीजिए, ये एक अधिकार दिया जाता है। सर, कैन यू गिव अस अ ब्रॉड आइडिया टू व्हाट एक्सटेंट दीज मेजर्स विल एक्सपीडाइट द प्रोसेस एंड हाउ मेनी केसेस आर लाइकली टू बी टेकन? जस्ट वेट, आई वोंट गेट इनटू इट। देयर आर सम लिस्ट ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स विच आई थिंक द RBI वुड ऑलरेडी बी लुकिंग इनटू। ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट इज दैट द प्रेजेंट स्टेटस को कांट कंटिन्यू एंड द प्रेजेंट स्टेटस को इज
that not much was moving. And therefore, a paralysis in the name of autonomy is detrimental to the economy itself. And therefore, that really requires to be broken. देखिए मुझे लगता है कि ऑर्डिनेंस का अधिकार एक लेजिटिमेट संवैधानिक अधिकार है जब संसद नहीं है और इस विषय पर तो पिछले महीने डेढ़ महीने से चर्चा हुई रही थी। सर टॉप डिफॉल्टर्स की सर लिस्ट है तो दैट लिस्ट हैज बीन गिवन आई मीन Has this just been shared with RBI also to maybe issue? It's not a state secret. I'm sure you know it better than me. Sir, going forward broadly, what will the role of the government now? Because a lot of it has been handed over to Reserve Bank of India in terms of their account. देखिए ऐसा है कि the regulation and to ensure that the health of the banking system is maintained is also one of the primary responsibilities of the RBI. And therefore, conventionally under the Act, even the power under 35A was a power with the RBI. And it is therefore only logical that the power under Section 35AA and AB also remains with the RBI. Whenever North Bloc has without power interfered in the banking system, it hasn't done very good. Sir, is the government open to provide more recapitalization? Thank you. तो थैंक यू के साथ एक कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई है और कॉन्फ्रेंस में जो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है एक तो पहले तो सरकार ने खुद ही मान लिया कि जो रेगुलेशंस अभी है ना उससे काम चलेगा नहीं उसके लिए इसको बदलने का प्रावधान है और ये अध्यादेश इसी के लिए लेके आया गया है क्योंकि सरकार खुद मानती है कि ऑटोनॉमी के नाम पर सिर्फ ये बात नहीं चल सकती इसलिए ऑर्डिनेंस को थोड़ा और सख्ती से लागू करने की बात की गई है उन्होंने ये भी कहा कि सरफासी और DRT दो पहले से एक्ट जो चल रहे हैं उसके अंदर हमने कुछ चेंजेस किए हैं एक इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये कही कि RBI को अब ज़्यादा फोर्स ज़्यादा पावर दिए जाएंगे ताकि वो बैंकों पर भी दबाव डालें ताकि आप सेटलमेंट करें ये NPS सेटलमेंट हो सकता है आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट भी हो इसके अलावा आज फाइनली ये डिसीजन हो गया है तो NPS जो बैंक्स की बुक्स पे थे जिसकी वजह से काफ़ी क्रेडिट ग्रोथ में दिक्कत हो रही थी इनका अब क्लीन अप हो जाएगा अगले कुछ महीनों में सो जो प्रोग्रेस जो होती है उसको हमें वॉच करने की ज़रूरत है पर बेसिक आइडिया जो मैं कह रहा था कि हमको इनको ऑक्शन करना चाहिए ये सरकार ने आपने जो आइडिया दिया था वो मान लिया गया कि इनका ऑक्शन होगा स्ट्रेस एसेट्स का जो खासतौर पे मेरा अकेले का आइडिया नहीं सब और भी पर जो भी है ये अच्छा आइडिया है मैं समझता हूँ तो इसलिए सरकार ने जो निर्णय लिया है वो बहुत अच्छा है फिर एक आखिरी सवाल इन्वेस्टमेंट आपको लग रहा है इससे बढ़ेगा हाँ नहीं नहीं आगे चलकर क्योंकि खासतौर से प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट इसे हाई प्रोडक्टिविटी इन्वेस्टमेंट क्योंकि जो बैंक से लोन लेकर जो कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं जनरली इनकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छी होती है तो जो भी बैंक लोन्स बैंक क्रेडिट को जो एक्सपेंड करने में हेल्प करेगा वो बहुत अच्छा एक कदम है उससे आगे जाके कुछ सेविंग्स रेट पर भी असर पड़ सकता है पर ये बहुत ही अच्छा कदम है मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि आज जो सरकार ने किया है उसका जी मीडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कैमरा मैन राजेश के साथ असीम मनचंदा जी मीडिया दिल्ली तो वित्त मंत्री भी खुश हैं अरविंद पंगड़िया भी खुश हैं वो ये कह रहे हैं कि सरकार जो कर रही है उससे खुशी के दिन ज़रूर आएंगे ये खुशी के दिन क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ और क्रेडिट क्वालिटी को सुधारने के लिए होंगे मेरे साथ दो खास मेहमान हैं राजेश अग्रवाल हैं साथ ही शैलेश हरिभक्ति जी हैं जिनसे अब सुबह भी बात कर रहे थे और उन्होंने बहुत ही सरल तरीके से हमको समझाया था कि जैसे ऑर्डिनेंस जो सरकार लेके आई जो चेंजेस कर रही है ये शायद टीथ जरूर बढ़ा रही है शैलेश जी मैं एक बार वापस आपके पास आना चाहूँगा सुबह आपसे बात हो रही थी ना तो आप बहुत इंटरेस्टिंगली ये बता रहे थे कि ये मोर देन सफिशिएंट है हमको वित्त मंत्री का कॉन्फिडेंस देख के भी लग रहा है कि जब उन्होंने ऑटोनॉमी की बात बोली ना इससे काम नहीं चलेगा ये कुछ नहीं हो रहा था इसलिए हमको ये करना पड़ा है ये करीब 10% है टोटल लोन का जो कि स्ट्रेस्ड है चिंता वाली बात है एक रिपोर्ट से पता लगा है ये कितना कम हो जाएगा अगर मैं इन दोनों को ही बेस मानकर चलूं और जो पुराने रेगुलेशंस हमारे पास हैं जिसमें कुछ चेंजेस भी किए जैसे सरफासी मैं समझता हूं कि अब दो राहें खुल गई है एक तो रेजोल्यूशन हो सकता है एनपीए जो कंपनी एनपीए में चली गई है उसको उबार के स्टैंडर्ड एसेट में लाया जा सकता है या दूसरा कदम ये हो सकता है कि जब ये तय हो चुका हो कि भाई
इसका बिजनेस मॉडल बिल्कुल ठप हो गया है, तो उसकी एसेट बेच के जो भी पैसा निवेश आ सकता है वो बैंक अपना एनपीए को सुधारने के लिए इकट्ठा कर ले। तो दोनों तरीके से दो चीज होगी, एक तो जो हमारी नेशनल कैपिटल है वो रीएलोकेट हो जाएगी, यस, और जब वो वापस लगेगी तो वो अच्छे काम में अच्छी आरओई से लगेगी। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है पूरी सिस्टम का वो इस कदम से बहुत आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, इस बीच मेरे साथ एक और खास मेहमान है आशुतोष खजूरिया जो कि फेडरल बैंक से हैं, वो मेरे साथ जुड़े हैं। आशुतोष जी, पहले तो शुक्रिया समय देने के लिए। इस बार वित्त मंत्री का कॉन्फिडेंस भी झलका रहा है और जो रेगुलेशंस में चेंजेस हुए हैं वो भी ऐसा लग रहा है कि आपकी तो हित की बात ही कर रहे हैं। सर कितना फर्क पड़ जाएगा, मेरा पहला बेसिक सवाल यही है, कितना फर्क पड़ने वाला है इससे? देखिए साहब, ये समस्या जो है उसको सबने एक्नॉलेज किया है, yes. सब जानते हैं कि ये इस समय एक ऐसी चीज है जिसको फिक्स करने की जरूरत है, और जब वो उसको फिक्स करना है किसी ने उसके पास अगर एक ऐसा टूल हो, ऐसा माध्यम हो जिसके माध्यम से उसमें पारदर्शिता भी रहे, किसी की आने वाले दिनों में मतलब 4 साल बाद 5 साल बाद उसके द्वारा अभी लिए गए निर्णयों का में जो है उसमें गलतियां ना ढूंढी जाए कि साहब 5 साल बाद स्थितियां क्या है, तो बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट जिसको कहते हैं, 5 साल बाद देख रहे हैं कि अपने 5 साल क्या निर्णय लिए थे, उस परिस्थिति में क्या क्या तथ्य उपलब्ध थे और किन परिस्थितियों में वो निर्णय लिए गए थे, वो लेने के लिए जो एक मोटिवेशन है वो मिलता है अगर एक अगर आप एक ये पूरी तरह से आश्वस्त हो कि इसमें एक सामूहिक जो है वो बुद्धिमंथन हुआ है और उस ब्रेनस्टॉर्मिंग की वजह से जो 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 एक समाधान निकाला गया है उसमें पारदर्शिता है, उसमें नियामक जो है आपका रेगुलेटर जो है उसकी भी ब्लेसिंग्स हैं, बैंक में जो डिसीशन मेकिंग है वो भी एक डिफाइंड प्रोसेस के तहत प्रक्रिया के तहत ली गई है, तो क्या है चीज त्वरित गति से बढ़ेगी। वरना अगर किसी एक बैंक को के ऊपर छोड़ दिया जाए कि अब चाहे जितने भी वो S4A हो रहे हों, SDR रहे हों, उनमें कईयों में कई ऐसे निर्णयों की और कड़े निर्णयों की आवश्यकता है जहां सीधे सीधे लॉस कट करके आगे बढ़ने की स्थिति है, और वो वहां पे वो जो निर्णय लिए जाएं उनमें प्रश्न चिन्ह न लगे आगे, उसके लिए ये जो अधिनियम जो है वो बहुत उपयोगी साबित होगा, क्योंकि इसमें पूरी स्थितियां जो है वो पूरी प्रक्रिया जो है उसको डिफाइन किया गया है और उसमें एक पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी, पूरी तरह से एक पारदर्शिता रहेगी। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा एक स्टेप है और उसमें अर्जेंसी दिखती है सीधे सीधे गवर्नमेंट की, क्योंकि उसको ऑर्डिनेंस रूट से लाया गया है, जबकि वो पार्लियामेंट के लिए अगर वो सेशन का वेट करते तो शायद और समय लगता, तो ये दिखाता है कि उसकी कितनी जल्द जरूरत है उस टूल के उपस्थित होने की। तो आई थिंक मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छा निर्णय है और बैंकिंग इंडस्ट्री शायद बहुत आगे बढ़ पाएगी इसमें, जो भी उसके प्रोविजंस हैं प्रावधान किए हुए हैं एक एक अकाउंट्स में, एक तो ये कि वो उसको जीरो इन कर रहे हैं कि इतने अकाउंट्स को पहले लें, इनका समाधान करें और फिर आगे बढ़े। ठीक है, अब बहुत बेहतर बात बोल रहे हैं सर, मैं अभी आपके पास वापस आ रहा हूँ। इस बीच मेरे साथ एनएस वेंकटेश हैं जो कि ईडी हैं लक्ष्मी विलास बैंक के। सर शुक्रिया आपका भी समय देने के लिए जी बिजनेस को। मिस्टर खजूरिया बात जो बोल रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई। एक तो देखिए इस पूरी पॉलिसी के अंदर सिर्फ पावर की बात नहीं है बल्कि सरकार की अर्जेंसी भी दिख रही है जो दिखनी भी चाहिए। चुनाव बोलिए कुछ भी बोलिए, सरकार बैंकिंग रिफॉर्म्स तो करना चाहती। दूसरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम भी हो जाएगा, ये रेगुलेशन सिर्फ डंडा चलाने के लिए नहीं है बल्कि ट्रांसपेरेंसी के लिए भी है। सर कितना फर्क पड़ेगा आपके बैंक को या फिर पूरे बैंकिंग सिस्टम पे ये जो नए रेगुलेशंस आ रही हैं? ये नए रेगुलेशंस एकदम वेलकम है क्योंकि वो बैंकिंग सिस्टम के लिए एकदम बढ़िया बढ़िया रहेगा। दी सॉल्यूशन फॉर एनपीए इज अ मेजर मेजर वरी फॉर द बैंकिंग सिस्टम, तो एनी रेगुलेशन, एनी ऑर्डिनेंस व्हिच इज कम्स टू स्ट्रेंथन द हैंड्स ऑफ द banking system, particularly the central bank and the banks, I think will be very, very positive for the banking system. As far as my bank is concerned, it is a very retail bank with a very low levels of NPA, of hardly around 1.67% net NPA. So it will not make that much of a difference, but the mahol change ho jayega because of this resolution. That will enable me to bring my NPA still further down. मिस्टर वेंकटेश, एक चीज़ वेरी वेरी वेलकम साइन, वेलकम स्टेप। मैं एक चीज आपसे, आपको वैसे जरूरत पड़ती थी इसकी? आपको लगता था कि यह एक हिंडर है, एक ऑब्स्टेकल है, एक हर्डल है हमारे लिए, नहीं करने दे रहा था हमको काम, तो लिटिगेशन से फंस जाते थे। इट्स अ क्लियर कट फ्रीडम ऑफ अ लिटिगेशन,
आप कानूनी पचड़ियों से थोड़ा बच रहे हैं? इट इज नॉट ओनली क्लियर कट लिबरेशन से फ्रीडम, इट इज एसेंशियली लाइक व्हाट यू सी इन यूएस, देयर इज अ चैप्टर 11 फॉर बैंकरप्सी, यस, वेयर मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे आर डू दैट. The same way they are trying to do that, since we have put the insolvency and bankruptcy code in position, they believe that the here also it should happen in that fashion, so that the underlying assets doesn't deteriorate in value, so that the resolution happens much more faster, and 5 saal, 6 saal, 7 saal, aisa hi court kachehri mein nahi jane ka, the resolution happens much more faster, so that the value of the underlying asset is realized much more faster, which will be beneficial to the corporate and it will also be beneficial to the banking system. Otherwise, abhi aap dekhenge to court kacheri mein at least around 10-12 years aisa hi rahenge. By the time the unit is completely gone and neither the borrower nor the lender is able to realize any value out of that. So, isliye it is most welcome sign that this step is being taken through an ordinance route. Chik hai. मिस्टर वेंकटेश शुक्रिया समय देने के लिए, इसी बिजनेस को और पूरे पहलू को बताने के लिए कि देखिए बैंकिंग के लिए कितना फर्क पड़ जाएगा. आईसीआई के फॉर्मर अधिकारी मेरे साथ अमरजीत चोपड़ा जी हैं. चोपड़ा जी शुक्रिया पहले तो इसी बिजनेस को समय देने के लिए. आपसे बेहतर तो कोई बताएगा ही नहीं कि कितना फर्क पड़ने वाला है इस रेगुलेशंस का. मैं एक चीज़ आपसे पहले ये समझना चाहता था, ये चार रेगुलेशंस तो पहले से ही थे, सरफासी था, S4 था, SDR था, CDR था, ये एक और चीज़ जुड़ जाएगी सर. हालांकि सरफासी को लेकर कुछ चेंजेस किए हैं, ये सारे मिलकर अब एनपीए को मान लें कि कम से कम 30-40% रिजॉल्व करने के दम रखते हैं. देखिए ऐसा है कि ऑलरेडी रेगुलेशंस थे, अब ये डिपेंड करेगा कि जो भी सेंट्रल बैंक है उसकी अपनी अल्टीमेटली विल क्या है करने की. क्योंकि अगर हम S4A को भी देखें या SDR को देखें, सब में अल्टीमेटली ये हो रहा था कि वी आर ओनली डेफरिंग दी प्रॉब्लम वर्चुअली, अगर आप मेरे से सही मानों में पूछें तो. परंतु ये लगता है कि सरकार का रिजॉल्व है कि एनपीए को टैकल करना है और जो जो मेजर डिफॉल्टर्स हैं उनको दे वांट टू ब्रिंग टू बुक. और अगर ये होता है तो मेरे ख्याल इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप, बहुत बढ़िया बात है. सरकार में एक विल पावर तो दिखाई है करने की, इसमें किसी तरीके का कोई संदेह नहीं है कि सरकार ये चाहती है कि किसी तरीके से ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की समस्या है इसका समाधान हो. तो मैं ये आशा करूं कि भाई आगे से रिस्ट्रक्चरिंग सिर्फ उन्हीं एसेट्स की होगी या उस तरीके से होगी कि जहां पे वाकई में चांस है रिस्ट्रक्चर होने का. इट विल नॉट बी सिर्फ इसलिए नहीं होगी रिस्ट्रक्चरिंग क्योंकि हम एक एनपीए के को एक एनपीए आइडेंटिफिकेशन से डेफर करना चाहते हैं ओनली फॉर द पर्पज ऑफ प्रोविजनिंग. सही कह रहे हैं आप सर, बिल्कुल चोपड़ा जी आपकी बात ठीक है. अच्छा मैं एक चीज़ आपसे आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पर भी जानना चाहता हूँ. ये ठीक है सरकार हो सकता है रेगुलेशन से लेके आना चाहती हो, लेकिन आपको नहीं लगता कि रेगुलेशन की भी अपनी एक लिमिट रहती है एनपीएस को रिकवर करवाने की? अल्टीमेटली तो आपको इकोनॉमी को भी ग्रो करवाना ही होगा, हालांकि उसके संकेत दिख रहे हैं, लेकिन ये दोनों क्लब होकर 2019 तक तस्वीर बदले देखेंगे, चुनावों में बड़ा सिरदर्द तो नहीं बनने वाला? देखिए आज की डेट में क्रेडिट ऑफ टेक नहीं है, सरकार को इसकी तरफ ध्यान जरूर देना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है. और पूरा बैंकिंग सिस्टम इस वक्त स्लश्ड है डिपॉजिट्स के साथ, डिमोनेटाइजेशन के बाद डिपॉजिट्स आए हैं, उसका भी एक इंटरेस्ट बर्डन बैंक्स के ऊपर है. परंतु क्रेडिट ऑफ टेक को लेके एक चिंता का विषय है क्योंकि बैंक्स के पास इस वक्त कैपेसिटी है लेंड करने की, इसमें कोई शक नहीं है. परंतु मेरे ख्याल में बैंक्स की एक क्षमता, और अगर आप पूरी स्टॉक मार्केट देखें तो स्टॉक मार्केट ठीक चल रही है, अगर बैंक ट्रेजरी में पैसा बना सकते हैं तो ट्रेजरी में पैसा जरूर बनाना चाहिए. परंतु 2019 तक मेरे अपने हिसाब से तो अगर अगले 6 महीने में तस्वीर बदलनी चाहिए, मैं ये समझता हूँ, और सरकार की ये भरपूर कोशिश रहेगी कि अगले 6 महीने में ये तस्वीर बदले, क्योंकि अगर अगले 6 महीने में नहीं बदलती तो फिर कब बदलेगी? Yes. तो सरकार का ये एक मेरे अपने हिसाब से बड़ा प्रयास है और बड़ा प्रयास रहेगा कि एनपीए की प्रॉब्लम को टैकल करें और उसके साथ साथ क्रेडिट ऑफटेक को भी मॉनिटर करें कि क्रेडिट ऑफटेक हो, क्योंकि छोटे क्रेडिट ऑफटेक से बात नहीं बनेगी. ये तो बड़ा जब क्रेडिट ऑफटेक होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स दोबारा से कहीं पे लाइन पे आएंगे तभी बनेगी, और या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आएंगे. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमारा इस वक्त क्रेडिट ऑफटेक ना के बराबर है, अगर आप सही मानों में पूछें.
तो इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम दोबारा से लाइन पे लाके, जो सरकार का प्रयास है मेरे अपने हिसाब से, ठीक है, तो एक अच्छी पिक्चर देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। ठीक है, एक हिस्सा तो ठीक है सरकार रेगुलेशन ले आए, दूसरा हिस्सा क्रेडिट ऑफटेक को बढ़ाने के लिए भी स्टेप्स होने चाहिए, और हम उम्मीद भी करते हैं कि वित्त मंत्री ऐसे कुछ स्टेप के साथ और भी आगे बढ़ेंगे। शैलेश जी, अभी मैं मिस्टर खजूरी आपके पास अभी आ रहा हूं, लेकिन शैलेश भरभक्ति जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश जी, अभी आपने बैंकर्स को सुना, आपने लक्ष्मी विलास बैंकर को सुना, आपने फेडरल बैंक के खजूरिया जी को सुना, आपको लग रहा है कि बैंकर्स के बीच में कुंठा थी, ठीक है उनको ऐसे रेगुलेशंस चाहिए थे, लेकिन मेरा थोड़ा ना इनसे और स्टेप एक बढ़कर एक और सवाल है कि सारे रेगुलेशन आ भी जाएं, बैंकर्स के पास काम हो भी जाए, लेकिन ये तस्वीर कितनी बदल जाएगी? क्या सरकार को और रेगुलेशंस की भी ज़रूरत पड़ सकती है? ये एक पहली खेप है, पहली किस्त है जो सरकार 35AA और 35AB के साथ कर रही है। मैं समझता हूं कि कई और कदम लाने पड़ेंगे, क्योंकि एसेट रिकवरी का जो पूरा सब्जेक्ट है उस पे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ये जिन लोगों ने एसेट्स इंटरनेशनली परे कर दी हो वो भी वापस लाने का प्रावधान करना पड़ेगा, तो इस पे भी काफी विचार होगा। बैंकों के कंसोलिडेशन पे भी विचार करना पड़ेगा, क्योंकि हम समझ लें कि बैंक सस्टेनेबल डेट तय कर लेती है, कैपिटल एडिक्वेसी के बगैर वो लेंडिंग आगे चालू ही नहीं कर सकती। इसलिए बैंक मर्जर का जो चला है बहस, उसको भी कहीं ना कहीं हमें एक तरह से खत्म करना पड़ेगा। और बिगेस्ट एनपीएस जो है 1.2 ट्रिलियन रुपीस के एनपीएस जो है वो पावर सेक्टर में है, उसमें मैं समझता हूं कि जब तक इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स को वापस नहीं लिया गया, उनको कंप्लीट नहीं किया गया, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसईबीज नहीं हुआ और प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, तो मैं समझता हूं कि ये एनपीएस जो है उनको सुलटाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए कई और कदम लेने पड़ेंगे। ये जो किया गया है वो एक एनेबलिंग फ्रेमवर्क है, जिसमें बैंक ये कह सकती है किसी भी अपने एनपीए कस्टमर को कि अब आपका पूरा प्रोसेस आईबीसी के थ्रू होगा, बैंकरप्सी कोर्ट के थ्रू होगा। ये एक बड़ा पावर मिल गया है बैंक को, और ये एक थ्रेट भी हो सकती है कि अगर कोई प्रोसेस लंबा चल रहा हो तो उसको कट शॉर्ट करने के लिए उनके पास एक और साधन आ गया। लेकिन जो फंडामेंटल्स है, जो मैंने पहले आपको बताया था, एसेट को बिक्री होनी पड़ेगी, बिजनेस मॉडल ठीक होने पड़ेंगे, एसेट्स को प्रोडक्टिव करने पड़ेंगे, ये सब 6 महीने की बात नहीं है जी सर, ये तो चलेगा 3-4-5 साल लगेंगे इनको ठीक करने के लिए। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, लेकिन इस बीच सरकार के कई अधिकारी भी लगातार इस मुद्दे पर बयान दे रहे हैं। तपन रे जो कि सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर, वो क्या कह रहे हैं, आइए उनको सुनते हैं। किसी टेक्निकल वजह से अभी आप तपन रे को नहीं सुन पाएंगे, अभी हम से वापस जुड़ेंगे, लेकिन मिस्टर तपन रे हमारे साथ सुनते हैं। जो सरकार ने फैसला लिया है स्टेट सेस से निपटने के लिए, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री की क्या भूमिका इसमें होगी, किस तरह से इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड जिस तरह से है, किस तरह से हमें इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड को इम्प्लीमेंट करना है, अमल करना है उसका, उसके लिए हमें जो एनसीएलटी के बेंचेस है, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स है, प्रोफेशनल एजेंसीज है, फिर इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज है, इन सबको ठीक तरह से तैयार करना है। तो कर भी दिया हमने, नोटिफाई कर दिया और काम शुरू हो गया। कोई इसमें जो फास्ट ट्रैक की बात थी कि 90 दिन के अंदर करना है या 6 महीने के अंदर करना है, जून तक डिसाइड कर लेंगे कि कौन से एंटिटीज को फास्ट ट्रैक का लाभ मिल सकता है, किसको नहीं मिल सकता। तो अभी वो फाइनल नहीं हुआ है रेगुलेशन, हम जून तक कर देंगे। इंसॉल्वेंसी जो बैंकरप्सी कोड आया उसके बाद ये माना जाए कि जो 2-2 साल लग जाते थे किसी कंपनी को डिसॉल्व करने में, वो बहुत जल्दी हो पाएगा, और सरकार जिस तरह से टाइम लिमिट हो गया ना, अब हर एक प्रोसेस के लिए टाइम लिमिट हो गया, इसलिए जल्दी होना ही चाहिए जी। कोई आप लोगों ने कोई लिस्ट बनाई है कि कहां कहां काम करना जरूरी है? ये लिस्ट हम नहीं बनाएंगे, वो तो पूरा एनसीएलटी का सिस्टम है, वो देखेगी इसको।
शुक्रिया जी मेरे साथ करने के लिए शुक्रिया। तो कॉर्पोरेट अफेयर सचिव तपन देव बताते हुए कि इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के लिए अब दिशा निर्देश बन रहा है और उसी के आधार पर वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री काम करेगा और जिस जैसा निर्देश आएगा। तो फाइनेंस है, कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री है, आरबीआई है, बैंकर्स हैं, इतनी बड़ी समस्या है इसलिए अधिकारियों को भी ज़्यादा जुटना पड़ेगा। और अभी जो तपन रे जो कि सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर, वो एक चीज़ और बता रहे थे बड़ी इंटरेस्टिंग कि हर चीज़ टाइम के साथ बांधी जाएगी और एक टाइमली आपको सोल्यूशन लेके आना पड़ेगा, मामला लंबा नहीं खींचेगा, ये उम्मीद भी हम कर रहे थे कि ऐसा कुछ होगा, ये आ रहा है गाइडलाइंस में। इस पे एनपीए को लेकर जो सरकार ने एक मुहिम छेड़ी है उस मुहिम को अब वित्त मंत्री आगे बढ़ा रहे हैं और अब नए अध्यादेश के साथ, नए ऊर्जा के साथ कह सकते हैं कि सेकंड फेज एनपी से निपटने के लिए शुरू हो गया है। इसमें मोटी मोटी बात जो भी वित्त मंत्री ने कही है, ग्राफिक्स के जरिए आपके स्क्रीन पर भी आएगा, मैं भी बता देता हूं। सरफासी और डीआरटी एक्ट में कुछ बदलाव किए हैं, कमेटियों का गठन होगा, ये कमेटी आरबीआई के तहत होंगी और ये सारी कमेटी ओवरसीइंग कमेटीज होंगी जो कि बैंकर्स को दिशा निर्देश जारी करेंगी। इसमें स्पेसिफिकली लोन से कैसे, जो बैड लोन्स हैं उससे कैसे निपटा जाए, कितने समय की अवधि के अंदर निपटा जाए, ये पूरा जो दिशा निर्देश है वो जारी किया जाएगा। जल्दी से जल्दी मामलों को सेटल किया जाए इसको लेकर भी सरकार और अलग अलग विभाग और अलग अलग मंत्रालय मिलकर इस पर काम करेंगे क्योंकि समस्या काफ़ी गंभीर है। कुल लोन का 10% चिंताजनक है, स्ट्रेस्ड है, इसलिए सरकार को सख्त फैसले लेने पड़ रहे हैं। मेरे साथ राजेश अग्रवाल भी हैं जो कि मार्केट्स को बहुत बेहतर तरीके से देखते हैं। राजेश, एक चीज़ हमको और समझ में आ रही है मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि शायद हो सकता है एआरसी यानी कि असेट रिस्ट्रक्चरिंग का जो बिजनेस है, कारोबार है, ये कुछ बढ़ जाए। एडलवाइज, इंडिया इन्फोलाइन, कई बड़ी कंपनीज ने काम शुरू किया, उनके नंबर्स में दिख भी रहा है। मान के चले कि सरकार की एनपीएस पॉलिसीज ये एआरसी बिजनेस को बढ़ाएगी। देखिए, उम्मीद तो बिल्कुल बनती है क्योंकि जब इंसॉल्वेंसी एक्ट इन्वोक हो जाएगा और कंपनियों के ऊपर प्रेशर बनेगा कि वो अपने एसेट्स बेच करके या वो आपको पैसे वापस करे, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो उनके एसेट्स है वो इन एआरसी को दिया जाएगा या किसी और संस्था को दिया जाएगा जो उन एसेट्स को बेचे जाए, तो इनकी स्कोप्स तो बढ़ते हैं। बट आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से पैन आउट होगा वो देखना पड़ेगा, बट इस वक्त यस, स्कोप इन एआरसी का बिजनेसेस के बढ़ जाते हैं। मेरे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हैं, उनका नाम है सुहेल नथानी जो कि मैनेजिंग पार्टनर है इकोनॉमिक लॉ प्रैक्टिसेस के। सुहेल जी, पहले तो शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। ओवरऑल जितने भी रेगुलेशंस हैं, हर रेगुलेशन के पीछे ऑब्जेक्टिव और मंशा यही होती है कि जिसके लिए लेके आया जा रहा है उसमें सुधार हो। इस बार भी वैसा ही सरकार सोच रही है। पहले के रेगुलेशंस और अब के रेगुलेशंस में आपको कितना फर्क दिख रहा है, ये कितने कारगर है? तो पहले काफी रेगुलेशंस हुए हैं लेकिन आइसोलेटेड हो रहे थे, या आपने सिक्का किया या आपने बैंकिंग को पावर दिया अंडर सीडीआर और S4A और फिर डीआरटी एंड कोर्ट प्रोसीडिंग्स, दे वर ऑल रनिंग पैरेलली एंड वन वुड डिले द अदर। अभी क्या हो रहा है, ये विद द रिफॉर्म ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट दे आर गोइंग टू गेट एवरीबडी टू एक्ट इन यूनिसन। एक चीज कोर्ट में तो माहौल बन ही गया है दैट रिकवरी ऑफ नॉन प्रॉफिट परफॉर्मिंग एसेट्स हैव टू बी डन ऑन अ वॉर फुटिंग। अभी जब बैंकर्स काम करेंगे वो बैठ के साथ में काम करेंगे, और ये ऑर्डिनेंस का सबसे बड़ा अहम क्या है कि इट विल नाउ इंपैक्ट द बैंक्स डायरेक्टली। इफ दे आर अनेबल टू रिजॉल्व द बैड डेट्स एंड द बैलेंस शीट गोज अबव अ सर्टन परसेंटेज ऑफ एनपीए, the banks will not be able to declare dividend, so now there is a huge incentive to resolve matters expeditiously. अच्छा सुहेल जी, एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ, ये 2019 तक सिचुएशन में कितना फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि नाउ ये कलेक्टेड एफर्ट्स होगा, सब डिपार्टमेंट्स, बैंकर्स खुद बैठेंगे बैठक के अंदर, कमेटी बकायदा होगी। ये मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है ना, एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में जो टोटल लोन है उसका 10% चिंताजनक यानी कि स्ट्रेस्ड लोन है और इसकी वैल्यूएशन 9,00,000 करोड़ से ऊपर की है। कितना फर्क पड़ जाएगा 2019 के चुनाव से पहले? मेरे ख्याल में काफी फर्क आएगा। दो चीजें, एक जो पहले भी कमिटीज बैठते थे, पहले भी रूल्स थी, बट अब ये जो सिंक्रोनाइज चलेगा
इससे काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि देखिए पहले जब सिचुएशन था सरफेसी में, कोर्ट्स एक व्यू ले रहे थे और वो सरफेसी रुक गया काफ़ी सालों के लिए, डीआरटी हैज़ बिकम ओवरबर्डेंड। अभी क्या हो रहा है कि पीपल आर एबल टू सिट एंड देर आर मेनी ऑप्शंस एंड द बैंकर्स और कंपनी साथ में काम करके रिजॉल्व करेंगे, और बैंकर्स को बहुत पावर है वेयर दे कैन इवन रिप्लेस द प्रमोटर्स। ये नया ऑर्डिनेंस से तो मुझे बहुत उम्मीद है कि 2019 तक काफ़ी सुधार आएगी सिस्टम में। ठीक है, अच्छा राजेश जी एक आपसे सवाल है, ये हालांकि मार्केट के लिहाज से तो ऐसा लग रहा है कि शायद इस ऑर्डिनेंस को मार्केट के प्राइसेस में तो भुना लिया गया है, कुछ और दम दिखता है आपको बैंकिंग स्टॉक्स में? देखिए दम बिल्कुल है, लेकिन अगर आप कहेंगे कि रातों रात इससे ऑर्डिनेंस जो आया है इससे उनके नंबर्स पे फर्क पड़ जाएंगे, तो मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि इतनी जल्दी ये हो नहीं पाएगा, कुछ समय लगेगा। लेकिन दो चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं, एक तो जो कहा गया है कि जो नॉन परफॉर्मिंग ब्रांचेस होंगी जो लॉस में चल रही उन्हें बंद कर दिया जाएगा, एक ओवरसीइंग कमेटी, ये दो चीज़ें जो हुई हैं ये बहुत बेहतर हुई है, क्योंकि ओवरसीइंग कमेटी के कारण से जो लाइबिलिटी है बैंकर की वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, इसलिए कोई भी डिसीजन वो ले सकते हैं, और दूसरे जो लॉस मेकिंग ब्रांचेस बंद होने का प्रोविज़न है उससे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, जिससे आने वाले दिनों में बैंकों के वैल्यूएशन बढ़ जाएंगे। ठीक है, शुक्रिया राजेश जी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सुहेल जी आपका भी शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए, आप बेहतर तरीके से समझा रहे हैं कि हाँ फ़र्क तो पड़ेगा और 2019 के अंदर आप देखेंगे शायद तस्वीर बदलती हुई दिखेगी। ये हमारी उम्मीद भी है कि तस्वीर बेहतर तरीके से जरूर बदले, कानून सिर्फ कानून के नाम पर ना हो, जो वित्त मंत्री कह रहे थे कि ऑटोनॉमी सिर्फ नाम से ना हो बल्कि एग्जीक्यूशन में भी दिखे, वो इस बार भी दिखनी चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही।